नमस्कार दोस्तों, एक लंबे अंतराल के बाद एक थी बुलबुल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मनीषा। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां पढ़ने का ये सिलसिला मैंने मेरी बेटी बुलबुल की याद में शुरू किया था। वो बचपन से ही बहुत खुश दिल और नटखट थी। उसके जन्मदिन पर उसकी स्मृति में मैं आर के नारायण का लिखा उनका पहला उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि स्वामी एक चुलबुला और शरारती लड़का है जिसका एकमात्र मकसद है अपने दोस्तों के साथ मस्ती करना, स्कूल और होमवर्क से पीछा छुड़ाना। तो देर ना करते हुए चलिए सुनते हैं उपन्यास का पहला अध्याय, सोमवार की सुबह। सोमवार की सुबह थी। स्वामीनाथन की आंख नहीं खुल रही थी। उसे ये दिन हफ्ते का सबसे बुरा दिन लगता था। शनिवार और इतवार की मौज मस्ती के बाद सोमवार को काम और अनुशासन का मूड बनाना उसे बड़ा मुश्किल लगता था। स्कूल जाने का ख्याल आते ही उसे कपकपी उठने लगती। उसकी उखड़ती पीली इमारत, लाल आंखों वाले क्लास टीचर वेद नायगम, लंबी पतली छड़ी लेकर टहलते हेडमास्टर। 8 बजे वो डेस्क के सामने अपने कमरे में आ गया, जो पिताजी के ड्रेसिंग रूम का एक कोना भर था। यहाँ एक मेज थी जिस पर उसका सारा सामान, कोट, टोपी, स्लेट, दवात और किताबें बेतरतीब पड़े थे। स्टूल पर बैठकर उसने आंखें बंद कर ली और सोचने लगा कि आज उसे क्या क्या करना है। सबसे पहले गणित की 5 पहेलियां कि कितना फायदा हुआ और कितना घाटा। फिर थी अंग्रेजी, उसे 8वें पाठ से पूरा 1 पन्ना नकल करना था और मुश्किल शब्दों के डिक्शनरी से अर्थ ढूंढने थे। और इसके बाद भूगोल। और ये सब काम पूरा करने के लिए उसके पास सिर्फ 2 घंटे थे। फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होना था। लाल आंखों वाले वेद नायगम क्लास ले रहे थे। उनके पीछे कमरे की बड़ी सी खिड़की थी। उसकी छड़ों के बाहर ड्रिल के मैदान का कुछ हिस्सा और प्राइमरी कक्षाओं का एक कोना दिखाई देता था। कमरे के बाईं तरफ की खिड़कियों से बाहर का खुला मैदान दिखता था, जिसके सिरे पर रेलवे की पटरी बिछी थी। स्वामी के लिए कक्षा का महत्व इसलिए ही था कि खिड़कियों से बाहर उसे प्राइमरी के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते दिखाई देते थे। और 12:30 बजे रेलगाड़ी छुक छुक और छू छू करती धीरे धीरे आगे बढ़ती और सरयू नदी का पुल पार करती दिखाई देती थी। पहला घंटा शांति से बीत गया। दूसरा घंटा गणित का था। वेद नायगम बाहर निकले और कुछ ही देर में गणित के अध्यापक बनकर वापस आ गए। फिर एक रस आवाज में पढ़ाने लगे। स्वामी बोर हो रहा था। टीचर की आवाज उसके सिर से गुजर रही थी। उसे नींद आने लगी। टीचर ने घर के काम की कॉपियां मांगी। स्वामी झट से उठा, सामने आया और मेज पर कॉपी रख दी। टीचर उसके किए सवालों की जांच करने लगे और वो टकटकी लगाए उनका मुंह देखता रहा। मुंह उसे कुछ अच्छा नहीं लगा। दोनों आंखें एक दूसरे के बहुत पास थी और ठोड़ी पर बाल भी जितने बेंच से दिखाई देते थे उससे ज्यादा ही थे। सच बात यह थी कि वे बहुत बदशक्ल थे। तभी उसकी तंद्रा टूटी और उसे बाईं कोहनी के मुलायम मांस में तेज दर्द महसूस हुआ। टीचर एक हाथ से यहाँ चुटकी काट रहे थे और दूसरे से सवालों को काटते जा रहे थे। फिर पेज के नीचे लिखा बहुत खराब कॉपी स्वामी के चेहरे पर दे मारी और उसे सीट पर वापस भेज दिया। अगला घंटा इतिहास का था। लड़के इसका बेचैनी से इंतजार करते थे। दी पिल्ले इतिहास पढ़ाते थे।
और सद्व्यवहार तथा हंसी मजाक से क्लास लेने के लिए मशहूर थे। सब कहते थे कि उन्होंने आज तक किसी लड़के को डांटा फटकारा नहीं है। इतिहास पढ़ाने का उनका तरीका शिक्षण के सब नियमों से अलग उनका अपना था। वे वास्को डी गामा, क्लाइव, हेस्टिंग्स वगैरह की कहानियां बड़े विस्तार से बयान करते थे। जब वे इतिहास में हुई लड़ाइयों के बारे में बताते तो लड़कों को तलवारों की खनक और जमीन पर गिरने वालों की चीखें सुनाई देने लगती थी। हेडमास्टर साहब जब कभी दबे पांव उनकी कक्षा के बगल से गुजरते तो कमरे में शोर शराबा ना देखकर परेशान हो उठते थे। इसके बाद धर्म शिक्षा का घंटा होता था। ये घंटा भी उबाऊ नहीं होता था। इसमें भी मजेदार घटनाओं की तस्वीरें दिखाई देती थी, जैसे लाल सागर का पानी कम होता जा रहा है जिससे इजरायली देश छोड़कर भाग सके, पहलवान सैमसन के जबरदस्त कारनामे, ईसा मसीह कब्र से बाहर निकल रहे हैं वगैरह। परेशानी एक ही थी कि धर्म शिक्षक एबेंजर बड़े कट्टर ईसाई थे। उन्होंने मुट्ठियां बांधकर कहना शुरू किया, अरे मूर्खों, तुम गंदी बेजान लकड़ी और पत्थर की मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? क्या वे बोल सकती हैं? नहीं। देख सकती हैं? नहीं। आशीर्वाद दे सकती हैं? नहीं। तुम्हें स्वर्ग ले जा सकती हैं? नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वे बेजान हैं। जब मोहम्मद गजनी ने तुम्हारे देवताओं को तोड़ा, उन्हें पैरों तले रौंदा और उनके पत्थर से अपने पेशाब घर बनवाए, तब वे क्या कर सके? अगर उन मूर्तियों में जान होती तो उन्होंने हमलों का मुकाबला क्यों नहीं किया? इसके बाद उन्होंने ईसाई धर्म की चर्चा शुरू की। अब देखो हमारे ईसा मसीह के काम। वे बीमारों का इलाज करते थे, गरीबों की मदद करते थे, लोगों को स्वर्ग ले जाते थे। असली भगवान थे वे। उन पर श्रद्धा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। स्वर्ग हमारे अपने भीतर ही है। ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे, मानो ईसा उनके सामने ही खड़े हों। इसके बाद कृष्ण की याद आते ही उनका चेहरा गुस्से से नीला हो उठता। तुम्हारे कृष्ण की तरह हमारे ईसा क्या लड़कियों के पीछे भागते फिरते थे? उस जबरदस्त बदमाश की तरह क्या ईसा लोगों के घरों से मक्खन चुराते फिरते थे? क्या वे अपने साथियों के साथ तुम्हारे कृष्ण की तरह चालबाजियां करते थे? इतना कहकर वे रुक गए। आज तो वे असहय हो उठे थे। स्वामी का खून खौल उठा। उसने सीट से उठकर पूछा, ईसा ने कोई गलत काम नहीं किया तो उन्हें सूली पर क्यों चढ़ाया गया? टीचर ने कहा कि क्लास खत्म होने के बाद वो उनसे मिले, तब वो इस सवाल का जवाब देगा। ये उत्तर सुनकर स्वामी ने एक सवाल और दाग दिया, अगर वे भगवान थे तो मांस मछली क्यों खाते थे और शराब क्यों पीते थे? ब्राह्मण होने के कारण स्वामी को ये सही नहीं लगता था कि भगवान को ये सब चीजें खाना पीना चाहिए। ये सवाल सुनकर एबेंजर अपनी कुर्सी से उठे और आगे बढ़कर स्वामी का कान मरोड़ने लगे। दूसरे दिन स्वामी स्कूल जल्दी आ गया। घंटी बजने में अभी आधा घंटा बाकी था। और दिन होता तो वो मैदान में दौड़ लगाने और इमली के पेड़ के नीचे पड़ी इमलियां बटोरने में अपना खाली समय बिताता, लेकिन आज वो एक तरफ बैठा कुछ सोच रहा था। उसकी जेब में एक मोटा सा खत रखा था। वो उसे छूता और परेशानी महसूस करता। वो सोच रहा था कि रात को खाने के समय पिताजी को एबेंजर वाली घटना बताकर उसने बड़ी गलती की।
जैसे ही घंटी बजी वो हेडमास्टर के कमरे में गया और उन्हें ये खत पकड़ा दिया। हेडमास्टर ने उसे पढ़ना शुरू किया और उनका चेहरा गंभीर होता गया। खत में लिखा था, महोदय मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे स्वामीनाथन को, जो कक्षा एक सेक्शन ए का छात्र है, कल धर्म शिक्षा के अध्यापक ने जबरदस्त गुस्से में मारा। मुझे पता चला है कि यह अध्यापक हिंदू धर्म की चर्चा करते हुए देवताओं का अपमान करता है और गलत भाषा का प्रयोग करता है। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। इन विषयों में सहिष्णुता बरतना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये भी बताया गया, जब मेरे बेटे ने कुछ सवाल पूछने चाहे तो उसके साथ इस अध्यापक ने दुर्व्यवहार किया, उसके कान कसकर उमेटे, जो जब वो घर आया तब तक लाल थे। इन घटनाओं से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आप अपने स्कूल में गैर ईसाई बच्चे नहीं चाहते। यदि ये सत्य है तो हमें सूचित करें, जिससे हम अपने बच्चों को आपके स्कूल से निकालकर दूसरे स्कूल में डाल दें। आपको मालूम होगा कि हमारे कस्बे मालगुड़ी में एल्बर्ट मिशन स्कूल ही अकेला स्कूल नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप इसकी जांच करेंगे और मुझे उत्तर देने की कृपा करेंगे। ऐसा ना होने पर मैं उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करूँगा और आपके स्कूल का गैर ईसाई आचरण उनके सामने रखूँगा। आपका WT श्रीनिवासन। स्वामी बाहर निकला तो लड़के उसके चारों ओर घेर आए और पूछने लगे कि क्या बात थी, लेकिन स्वामी ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और चुप बना रहा। क्लास में चार लड़के ही ऐसे थे जिनसे स्वामी की दोस्ती थी और जिनकी वो इज्जत भी करता था। इन्हीं को उसका विश्वास भी प्राप्त था। पहला था क्लास का मॉनिटर सोमू, जो बड़े आराम से सब काम धाम करता था, जो भी उसे करना होता बड़ी शांति और विश्वास से करता था। वो अपने टीचरों के साथ भी घुल मिल कर रहता था। कोई टीचर उससे क्लास में सवाल नहीं पूछता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो पढ़ाई में भी अच्छा था। लोग सोचते थे कि हेडमास्टर ही उसे डांट सकता है। दरअसल क्लास में उसकी स्थिति चाचा की तरह थी। दूसरा लड़का था मणि, सबसे बेकार लेकिन सबसे ताकतवर। क्लास के सब लड़कों से वो ऊंचा और तगड़ा था। वो बहुत कम किताबें लेकर क्लास में आता और होमवर्क की परवाह नहीं करता था। क्लास में आकर वो आखिरी बेंच पर कब्जा कर लेता और फिर आराम से पैर फैलाकर सो जाता। कोई टीचर उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि एक नए अध्यापक ने उससे कुछ पूछा और उनकी जान पर ही बनाई। जो भी मणि के सामने पड़ता, बड़ा या छोटा, उसे वह परेशान करता ही था। लोग उसे आता देखकर रास्ता बदल देते थे। टोपी वो तिरछी करके पहनता, हाथ में उसके कोई तमिल उपन्यास होता और बहुत दिनों से वो इसी स्कूल में पढ़ रहा था। बूढ़ा चपरासी उसे शुरू से ही यहाँ देखता चला आ रहा था। सभी क्लासों में वो कई कई साल गुजारता। स्वामी को गर्व होता था कि मणि उसका दोस्त है। दूसरे लड़के उससे डर कर रहते, पर स्वामी उसकी पीठ पर धौल जमा कर बात करता और सीधा मणि नाम लेकर पुकारता था। वो उससे ये भी पूछता था कि ये शक्ति उसे किस तरह प्राप्त हुई। मणि जवाब देता कि उसके पास घर में दो मुग्धर हैं, जिनसे वो किसी का भी सिर फोड़ सकता है। तीसरा लड़का था शंकर, जो क्लास का सबसे तेज छात्र था। वो हर सवाल का जवाब 5 मिनट में निकाल देता। उसे 100 में से 90 नंबर प्राप्त होते थे। कुछ लड़के ये भी सोचते थे कि यदि शंकर
टीचरों का इम्तहान लेने लगे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दे। कुछ लड़के उसके बारे में ये भी सोचते थे कि वो इतना तेज नहीं है और बड़ों की चमचागिरी करके पहले ही सवालों के जवाब जान लेता है। वो टीचरों के कपड़े धोता है जिससे वे उसे 90 नंबर दे देते हैं। वो क्लास में टीचरों से अंग्रेजी में बात कर सकता था। उसे दुनिया की सब नदियों, पहाड़ों और देशों के नाम पता थे। वो नींद में इतिहास बोलता था। व्याकरण उसके लिए बच्चों का खेल था। उसका चेहरा बुद्धि से चमकता रहता था, यद्यपि नाक से हमेशा पानी बहता रहता था। जब वो क्लास में आता तो उसके बाल कड़े होते थे और एक आध फूल भी लगा होता था, और स्वामी को उसका ये रूप बहुत अच्छा लगता था। उसने मणि को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि शंकर को भी दोस्तों में शामिल कर लिया जाए, लेकिन मणि उसे अपने ही ढंग से लेता और अपनी दोस्ती दिखाने के लिए उसकी पीठ पर एक तगड़ी धौल जमा देता था। फिर वो अपना सिर खुजाकर उससे पूछता कि इतनी अकल उसे कहां से किस तरह प्राप्त हो गई है, और इसका थोड़ा सा हिस्सा वो उसे भी क्यों नहीं दे देता। चौथा लड़का था सैमुअल, जिसे उसके शरीर के आकार के कारण मटर नाम दिया गया था। उसमें कोई खास बात नहीं थी, मामूली सा लड़का था। ना बदन में ताकत, ना दिमाग में कोई खास अकल। स्वामी की तरह उसका गणित बहुत कमजोर था। उनकी तरह वो भी शक्की, दुर्बल और अस्थिर था। एक ही तत्व उन्हें आपस में जोड़ता था, हंसी। दुनिया की चीजों में उन्हें एक जैसी ही कमियां और मजाक वाली बातें दिखाई देती थी। जिन बातों पर दूसरों का बिल्कुल भी ध्यान ना जाता, उन पर वे हंस हंस कर लोटपोट होते रहते थे। स्वामी ने जब साथियों को बताया कि पिताजी ने खत में क्या लिखकर हेडमास्टर को भिजवाया है, तो सबको अच्छा लगा। सोमू ने सबसे पहले अपनी भावना व्यक्त की और स्वामी की तरफ देखकर पूरे दांत निपोड़ दिए। शंकर ने गंभीरता दिखाते हुए कहा, लोग जो भी कहें, तुमने अपने पिता को ये बात बताकर अच्छा ही किया। मणि ने आंखें बंद की और कहते हुए अपना समर्थन जताया। उसे ये सोचकर दुख हुआ कि इसे सुलझाने के लिए बड़ों की सहायता ली गई। इस तरह की बातें कक्षा की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये सही नहीं हुआ। अगर वो स्वामी की जगह होता तो ज्यादा बड़ी चीज न मिलने पर स्याही की दवाती फेंक कर टीचर के मुंह पर दे मारता। खैर, स्वामी ने जो किया ठीक ही किया। चुप रहता तो बहुत ही बुरा होता। अब धर्म शिक्षक जरा संभल कर रहे, वो उनकी गर्दन मरोड़ देगा और पीठ की हड्डियां तोड़कर रख देगा। मटर नामक सैमुअल बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक ओर तो वो कोई टिप्पणी करना चाह रहा था। मटर नामक सैमुअल बहुत असहज महसूस कर रहा था। एक ओर तो वो कोई टिप्पणी करना चाह रहा था। दूसरी ओर स्वयं ईसाई होने के कारण उसे एबेंजर की बातों में कोई कमी नहीं नजर आ रही थी, क्योंकि वो ईसाई धर्म के 10 आदेशों में से एक की ही व्याख्या थी। उसे लगा उसे एबेंजर का समर्थन करना चाहिए, इसलिए उसने एबेंजर के कपड़ों और रहन सहन की बुराई करके छुट्टी पाली। कक्षा को इस मामले की खबर लग गई थी। जब धर्म शिक्षा का घंटा शुरू हुआ, लड़के कुछ होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। एबेंजर हमेशा की तरह बोलता रहा। उस दिन उसने भगवद गीता को उधेड़ने का निश्चय किया हुआ था, और सच्चाई भी ये है, काफी उदार किस्म की इस रचना पर कुछ भी टिप्पणी की जा सकती है। एबेंजर ने इस तथ्य को हथियार बनाकर उसके बारे में बहुत कुछ कहा। हमेशा की तरह उसके शब्द बहुत पैने थे, लेकिन उनमें
विद्वता भी झलकती थी। उसने गीता को हिंदुत्व का आधार बनाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। धीरे धीरे वो भाषण की चोटी पर चढ़ता जा रहा था। बाइबल बेचारी मेज पर चुपचाप पड़ी थी। तभी हेडमास्टर साहब ने कक्षा में कदम रखा। एबेंजर बोलते बोलते रुक गया और हड़बड़ाकर कुर्सी पीछे ढकेलते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने सवालिया नजर से हेडमास्टर की तरफ देखा। उन्होंने गंभीरता से बोलते रहने को कहा। इस बीच एबेंजर ने चुपचाप बाइबल के भीतर अपनी एक उंगली रख दी थी। हेडमास्टर का आदेश पाकर उसने भौं सीधी की, हल्के से मुस्कुराया और उंगली वाला बाइबल का पन्ना खोलकर पढ़ाना शुरू किया। ये ईसा के जन्म का विवरण था। ये महान घटना हो चुकी थी। दैव शिशु घास पर लेटा था। पूर्व दिशा से सितारों की राह से आए देवदूत उसकी वंदना कर रहे थे। लड़के अनमने से सुनते रहे। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि भगवद गीता की रोशनी में हिंदू धर्म की आलोचना सुने या ईसा मसीह के जन्म की कहानी सुने। हेडमास्टर साहब कुछ देर तक सुनते रहे, फिर अचानक एक सवाल पूछ बैठे। तिमाही इम्तहान पास आ गए हैं और तुम अभी जन्म की कहानी ही पढ़ा रहे हो। ईसा सूली पर चढ़ाए जाएंगे, फिर प्रकट होंगे, और इसे दोहराने का काम कब पूरा करोगे? एबेंजर इस सवाल से हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने ये सफाई देकर छुट्टी पाने की कोशिश की कि आज के दिन वो दोहराने का ही काम करता है। दरअसल वो पूरी कहानी बता चुका है और ईसा के आखिरी भोज तक पहुंच गया है। स्कूल बंद होने के समय स्वामी को हेडमास्टर के दफ्तर में पहुंचने का संदेश आया। उसे जैसे ही ये नोट मिला, उसकी पहली प्रतिक्रिया हुई कि वो घर भाग जाए। उसने मणि से यही कहा तो मणि ने उसका हाथ पकड़ा और हेडमास्टर के कमरे के भीतर तक धकेलता हुआ ले गया। स्वामी लड़खड़ाते हुए हेडमास्टर के सामने जाकर खड़ा हो गया। एवेंजर एक स्टूल पर बैठा था, बकरी की तरह मुंह बनाए। हेडमास्टर ने पूछा, क्या शिकायत है स्वामीनाथन? कोई नहीं सर, स्वामी ने जवाब दिया। तो फिर ये चिट्ठी क्यों आई है? जी हाँ, स्वामी ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। एबेंजर ने मुस्कुराने की कोशिश की। स्वामी सोचता रहा कि किस तरह यहाँ से मुक्ति मिले। एबेंजर अब हिंदू धर्म और देवी देवताओं की चाहे जितनी बुराई करे, वो सब सुन लेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। तुम्हें पता है स्कूल में मेरा काम क्या है? हेडमास्टर ने स्वामी से सवाल किया। स्वामी इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा। हेडमास्टर लड़कों के पिताओं से चिट्ठियां लेने के लिए हैं या एवेंजर जैसों की लानत मलानत करने के लिए हैं, या हर सोमवार को ठीक 12 बजे अपनी छड़ी से 6 बार ठक ठक करने के लिए? लेकिन इस सवाल की जरूरत ही क्या है? मुझे पता नहीं सर, उसने नादानी से जवाब दिया। मैं यहाँ तुम सबकी देखभाल करने के लिए हूँ, हेडमास्टर ने कहा। स्वामी को यह जानकर अच्छा लगा कि इस सवाल का जवाब इतना आसान है। इसलिए हेडमास्टर ने कहना जारी रखा, जब तुम्हें कुछ मदद की जरूरत हो तो पिताजी के पास जाने की जगह तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। स्वामी ने एबेंजर पर एक तिरछी नजर डाली जो कुर्सी पर बैठा कांप रहा था। हेडमास्टर साहब ने फिर कहा, तुम इस जरा सी बात के लिए अपने पिता के पास गए, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इस पर विचार करूंगा, यह खत पिताजी को दे देना। स्वामी ने खत हाथ में लिया और चैन की सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया।